I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I'm not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. Hi everyone. जैसा कि हमने लास्ट वीक कहा था कि बीबी जो लेवल्स है वो सब पुराने वाले ही है और आप देख सकते हैं जो सारी क्लोजिंग है वो भी एक दूसरे के आसपास ही आई है, लिमिटेड रेंज में रहा है। इस फेज को हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं, जहाँ मार्केट कुछ करता नहीं है, सेम रेंज में घूमता रहता है। इसलिए अब नेक्स्ट वीक के लिए पहली बात तो यहाँ पे हो सकता है स्टॉक बन गया हो, क्योंकि यहाँ पे RSI देखिए लोअर लो बनाता जा रहा है, तो उसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक शायद अब नया हाई बनाना या फिर बहुत दूर जाना मुश्किल है। जो भी हरकत हो RSI क्योंकि एडवांस इंडिकेटर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो मैं पता चल जाएगा कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, और देखा जाए तो ये इसी लाइन पे आसपास ही घूम रहा है। इसलिए अभी जो रिटेस्ट करने नीचे आने वाला था जो पिछले वीक से हम बता रहे हैं वो पूरा अभी बाकी है, इसलिए पहला चांस यही है यहाँ से रिटेस्ट करके या तो ऊपर जाए या फिर यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो जाए और नीचे गिर जाए या फिर यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करके ऊपर आए। ये हो गया बुल केस सिनेरियो, ये हो गया बेयर केस सिनेरियो। लेवल सारे वही है, इस ट्रेंड लाइन पे जो अगला लेवल जो होगा वो उसी RSI के हिसाब से 24,000 या फिर 24,000 ही रखते हैं, क्योंकि अभी ब्लू स्काई जोन है जहाँ हम पहले गए नहीं, इसलिए कुछ लेवल हम नहीं बता सकते, पर नीचे हमें पता है अगर गिरेगा तो 2,800 तक जाएगा, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले सकता है, तीसरा सपोर्ट ट्रेंड लाइन के लोअर एंड पर ले सकता है, और जब तक यहाँ नहीं आता तब तक हम सुरक्षित हैं। जब ये फेल कर जाए तब हमें चिंता करने की ज़रूरत है, तब तक के लिए एक करेक्शन का वेट करें, मौका ज़रूर मिलेगा, सिर्फ ऊपर की ओर जाए मार्केट ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर जाना है तो उसे नीचे भी एक बार आना होगा। ये हो गए लेवल। अब पिछली बार तक जब मैं लेवल्स और एनालिसिस दे रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को बोरिंग लग रहा है, जब पिछली बार मैंने अपना FNO का दिखाया था, तो इस बार इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके लिए वो स्टॉक लाया हूँ जो इसी हफ्ते जिसमें मैंने 4,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और उसको प्रॉफिट हो गया है 1,00,000 का, वो है मसगांव डॉकयार्ड, जो मैंने 2020 में लिया था, एवरेज प्राइस 174.5 है, जिसका इन्वेस्टमेंट 4,300 हुआ, और जब भी ये 4,200 पर गया था तब 1,00,000 का पूरा जो प्रॉफिट है वो दिखा रहा था मुझे। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 5 साल का है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये एडिटेड है, या कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा किस तरह इतना पेशेंस में रख पाया, तो उसकी स्टोरी में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो 2020 में मैं 1 साल ही हुआ था, इसलिए कुछ सीख नहीं रहा था, मतलब कुछ पता नहीं था मार्केट में क्या करना है क्या नहीं क्या देना है, तो उस वक्त हम जी बिजनेस देख रहे थे और उसी की वजह से हमने मार्च में जो कोरोना का फॉल आया उस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक अच्छे दाम पे लिए थे। जो ये स्टॉक है ये IPO था,
उनमें आईपीओ रिव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई हुई थी, मतलब बहुत अच्छी तरह से। वो वीडियो आप जी बिजनेस पर देख सकते हैं, उसके एनालिसिस पे। तो उसे देखकर मैंने आईपीओ अप्लाई किया, पर अलॉटमेंट नहीं मिला। आज भी अलॉटमेंट कम ही मिलते, तो उसमें जो मिल गया उसे ले लिया। अब हुआ ये कि लिस्टिंग के दिन तो नहीं लिया, पर 5-6 दिन बाद फिर से उसके आसपास मिल रहा था। उस समय प्री फंड नहीं था, कोरोना का फॉल आया हुआ था, इसलिए सिर्फ 5,000 रुपये थे प्री फंड में। तो जितने मैं ले सकता था, राउंड फिगर 25 में ले लिए। सोचा बाद में गिरेगा तो कहीं से फंड अरेंज करके और ले लूंगा, और टोटल थोक लेने का 100 क्वांटिटी लेने के लिए सोच रखा था मैंने। पर जैसे मैंने लिया, उसके बाद मेरे भाव से नीचे गया नहीं। और उस वक्त क्या है, मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव हो चुके थे कि अगर मैं ऊपर से लूंगा फिर मेरा एवरेज खराब हो जाता है, फिर डाउन चला जाता है। इसलिए मैंने सोच रखा था कि जब तक मेरे बाइंग से नीचे नहीं जाता तब तक मैं एवरेज नहीं करूंगा। और उस टाइम पैसे भी नहीं थे, कोरोना के टाइम पैसों की बहुत किल्लत हुआ करती थी, इसलिए ज्यादा पैसे भी नहीं ऐड कर पाया। और उसके बाद तो जैसे जैसे ऊपर चला गया वैसे वैसे महंगा लगने लगा। महंगा तो मैं वैसे भी नहीं लेता हूँ, जनरली मैं ये 2 या 3 डिजिट के ही लेता हूँ। तो उस समय ये मिल गया था और बढ़ने लगा। उसके बाद अभी भी रखा हुआ है। अब क्योंकि इतना सारा है इसलिए थोड़ा डर तो लगता है, क्योंकि जब तक बुक ना करे तब तक सिर्फ स्क्रीन पर है, अपने हाथ में पैसा नहीं आता, नकली है। असली कब होगा, कब बेचेगा, पार्सल पता नहीं। बस अभी ये एस्टिमेट अब तक यही है। इसके अलावा माइनस स्टॉक भी बहुत सारे हैं, जिसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो सीरीज माई इन्वेस्टमेंट जर्नी में बता रहा था, पर क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। अब अगर आप भी आपका कोई रिस्पांस आता है तो उसमें हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। Have a lovely weekend.